हेलो फ्रेंड्स, गुड न्यूज़ फॉर साइंस स्टूडेंट्स। फ्रेंड्स, एम्स में बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के लिए ओपन हो चुके हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन। फ्रेंड्स, जो बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए है फ्रेंड्स, जिसका दिनांक 12/12/2019 से लेके 16 जनवरी 2020 तक है फ्रेंड्स। तो चलिए जानते हैं इसके डिटेल के बारे में और देखते हैं इसमें क्या क्या है। और नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैं लिंक दे दिया हूँ फ्रेंड्स, वहाँ जाके आप आसानी से डिटेल जान सकते हैं, पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं। और वहाँ यूज़फुल लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से डायरेक्टली साइट पे डाउनलोड कर सकते हैं। और अधिक सहायता के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, वहाँ पर विजिट ज़रूर करें फ्रेंड्स। वो मेरा एक ब्लॉग है जिसमें मैं बनाया हूँ, तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं नोटिफिकेशन क्या क्या है। ये है फ्रेंड्स, मैंने ओपन कर लिया है पीडीएफ एडमिशन नोटिस। दो देख सकते हैं, नोटिस नंबर 109/2019 दिया हुआ है फ्रेंड्स, जो 7/12/2019 को रिलीज़ किया गया था फ्रेंड्स। तो इसमें अब सबसे पहले आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो एप्लीकेशन ऑनलाइन मंगाया गया है, यहाँ जो बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉलोड बाय द जनरेशन ऑफ कोड एंड फाइनल रजिस्ट्रेशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन लीडिंग टू एडमिशन बी एस सी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बी एस सी पैरामेडिकल कोर्स 2020 ऑफ एम्स न्यू दिल्ली एंड अदर एम्स। तो फ्रेंड्स, अब आप यहां देख सकते हैं हु कैन अप्लाई फॉर बेसिक नर्सिंग एंड आर एलिजिबल फॉर बी एस सी एच नर्सिंग। तो जिसने 10+2 ट्वेल्थ किया है, जो सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन है 10+2, 55% से पास होना चाहिए और 50 इन केस ऑफ एसटीएससी के लिए 50% होना चाहिए फ्रेंड्स, जिसमें सब्जेक्ट इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होना जरूरी है फ्रेंड्स। इसके बाद है पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए, इसमें भी सेम वही है, आपको 10+2 पास होना चाहिए विद इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड दियर बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, दोनों में से कोई हो पैरामेडिकल कैटेगरीज में फिलअप कर सकते हैं, जिसमें 50% जनरल EWS और OBC के लिए, 45% SC और ST कैटेगरीज के लिए होता है। फिर है BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक, जिसमें 12th पास होना चाहिए, इसके बाद डिप्लोमा इन GNM जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन नर्सिंग काउंसिल, उसमें रजिस्ट्रेशन होना चाहिए फ्रेंड्स। चलिए अब बात करते हैं इसमें इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो यहाँ स्टार्टेड डेट्स है 12/12/2019, क्लोजिंग है 16/1/2020 5 बजे तक। इसके बाद अपडेट्स करना है 20/1/2020, इसके बाद वह एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके बाद है करेक्शन डिसिप्लिन, जो 21 से लेकर 30 के बीच में आप करेक्शन कर सकते हैं। 4/2 को फाइनल स्टेटस बताया जाएगा, 12/3 को आप अपलोडिंग ऑफ प्रोस्पेक्टेड्स कर सकते हैं। इसके बाद ओनली दोज हु बेसिक रजिस्ट्रेशन एक्सेप्टेड, जिसका बेसिक रजिस्ट्रेशन हो चुका है वो कोड फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए कोड 14/3/2020 से लेके 15/4/2020 तक ओपन कर सकते हैं फ्रेंड्स। एंड फाइनल रजिस्ट्रेशन जो होगा वह 14/3 से लेके 15 अप्रैल 2020 तक होगा फ्रेंड्स। इसके बाद फाइनल स्टेटस और BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक पैरामेडिकल और के लिए जो रिजेक्शन हो 24/4 को उसमें शो किया जाएगा। एंड अपडेट लास्ट डेट ऑफ सबमिशन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स तो 4 मई 2020। इसके बाद होस्टिंग एंड अपलोडिंग एडमिट कार्ड्स BSc नर्सिंग एच नर्सिंग के लिए 13 मई, और इसके बाद पोस्ट बेसिक और पैरामेडिकल के लिए 15 मई 2020 को अपलोड किया जाएगा। एग्ज़ाम का डेट इस तरीके से है, 6 जून को BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक का 6 जून को है फ्रेंड्स। इसके बाद पैरामेडिकल कोर्सेज का 20 जून को और BSc नर्सिंग एच 2020 के 28 जून को होना है, 10 से 12 बजे तक होगा फ्रेंड्स। तो ये रहा शॉर्ट डिटेल फ्रेंड्स। इसके अलावा मैं एक ऐसे वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको पता चलेगा कैसे फिलअप करना है, कहाँ से स्टेप बाय स्टेप, तो सारा आपको बता दूंगा। तो मिलेंगे फ्रेंड्स नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।